सगी अत्तार मोहम्मद साजिद अत्तार यस कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब की बारगाह मर्जी के गवर्नमेंट को जो टैक्स दिया जाता है सब चीजों के अंदर, तो ये टैक्स देना कैसा? हमारे ताजिर का बस चले तो टैक्स का नाम सुनना गवारा ना हो। जितनी तिजारत में टैक्स के जरिए पूछताछ और पाबंदियां और मुख्तलिफ किस्म की चीजें, अब तो इनकम टैक्स पर ठीक ठाक दबाव है कि रसीदे जो है वो इनकम टैक्स में जो रजिस्टर हैं उनसे बनवाई जाए। देखने को तो ये सब चीजें मुश्किल लगती हैं, दुश्वार मालूम होती हैं, लेकिन जो रियासत होती है उसकी मिसाल उस सफीने की तरह होती है कि जो पानी में चला जा रहा है। कोई किसी केबिन में बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई चला रहा है तो कोई काम कर रहा है उसमें, कोई अपनी मर्जी की तरफ रवा दवा है। अब इस सफीने में कोई भी शख्स सुराख करेगा तो नुकसान सबको पहुंचता है। रियासत के जो महासिल हैं, जराए आमदनी हैं, वो कहाँ से होते हैं? टैक्स उसका एक बहुत बड़ा जरिया होता है। यही वजह है कि रियासत मुख्तलिफ चीज़ों पर टैक्स लिया करती है। और हम बाजों का तारीफ कर रहे होते हैं कि जनाब यूरोप का निज़ाम यूँ है, अमेरिका का निज़ाम यूँ है, जरा आप मालूमात कीजिए कि वहाँ टैक्स का रेशो क्या है, वहाँ सैलरीज पर कितने फीसद टैक्स कटता है, आम जो प्रोडक्ट बेचने वाले बनाने वाले हैं वो कितना फीसद टैक्स देते हैं। तो वहाँ की अगर कोई खूबियाँ हमें हमारे सामने आती हैं और हम उसकी तारीफ करते हैं तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि रियासत वहाँ की रियासतों में पैसा कहाँ से आ रहा है, टैक्स से आ रहा है। और हमारे यहाँ यह है कि हर दूसरी जगह पर दो नंबरी करने की कोशिश की जाती है, तो टैक्स लेना रियासत की जरूरत भी है, मजबूरी भी है। और हुकूमत कोई भी जायज कानून अगर राइज करती है तो शरीयत से ना टकराता हो उस पर अमल करना वाजिब होता है। टैक्स लेना कोई ऐसी बात नहीं जो शरीयत से टकराता हो, एक बुनियादी जरूरतों में से रियासत के लिए, तो रियासत के लिए टैक्स लेना जायज है। और जहां जहां टैक्स देने के मौके दिए गए हैं वहां टैक्स दिया भी जाएगा।